नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सायन, वेलकम टू माय चैनल। आजकल बहुत सारे लोग ट्राइपॉड यूज़ करते हैं मोबाइल और डीएसएलआर के लिए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक ट्राइपॉड जो मोबाइल और डीएसएलआर दोनों में ही यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यह है साइबो WT3000130 का ट्राइपॉड। तो देखते हैं इसका बॉक्स में क्या क्या मिलता है। इसमें बॉक्स में ये ट्राइपॉड मिला है और ये मोबाइल होल्डिंग के लिए मोबाइल होल्डर मिला है। इसके जो प्राइस है ये 749 है, अमेजोन में अवेलेबल है। इस बैग से इसको आप निकलते हैं तो देखते हैं इसका इसमें कैसा है। तो ये है एक्चुअल ट्राइपॉड। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। इसको निकलते ही एक वारंटी कार्ड मिला है जो लिखा है 100 कैशबैक। प्रमोशनल ऑफर है, ये साइबो के वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हो इसको आप बाई करोगे तो। ये है एक्चुअल ट्राइपॉड। इसका जो बिल्ड है ये एलुमिनियम का बना है और लाइट वेट है। साथ में ये मोबाइल होल्डिंग के लिए मोबाइल होल्डर भी मिलता है, ये भी प्लास्टिक का ही बना है। तो देखिए ये है ट्राइपॉड, कुछ इस तरफ दिखता है। बिल्ड क्वालिटी भी है इस प्राइस में ठीक ठाक है। ये छोटा और मिनी ट्राइपॉड स्टैंड है। आप इसका उपयोग करके भी आप एंगल से रोटेट करके भी बहुत सारे वीडियो को निकल सकते हो। इस ट्राइपॉड पर यहाँ पर आप DSLR एक्शन कैमरा कुछ भी आप यूज़ कर पाओगे, अटैच कर पाओगे। और मोबाइल को अटैच करना है तो इस तरफ से आप मोबाइल को भी अटैच कर पाओगे। इसको निकल कर यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको अटैच करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप मोबाइल को भी अटैच कर पाओगे कुछ इस तरफ से। इसको आप टाइट करके आट लेना। चलो देखते हैं, ये जो है ये हो गया। ये आप देख सकते हो ऐसे मोबाइल को अटैच कर लेना। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक बबल है, यहाँ पर एक बबल है। इस बबल को लेवल करने के लिए दिया है। इसको यूज़ करके ये कुछ कुछ सिचुएशन में काम आएगा। इसको यूज़ करके आप देख पाओगे ये ठीक ठाक बैठा है या नहीं है इस बबल को। और इस स्क्रू को लूज करोगे तो इसको आप ऐसे रोटेट कर पाओगे। इस ट्राइपॉड को मोबाइल को अटैच करोगे तो कुछ इस तरफ से आप रोटेट करके बहुत सारे एंगल से शॉट ले पाओगे। यहाँ पर जो स्क्रू है इसको घुमा के इसका और भी हाइट बढ़ा पाओगे। ये जो है ये ऐसा ही बढ़ेगा और इसको लेग को आप 3 लेवल तक बढ़ा पाओगे। आप देख सकते हो ऐसे ही हम 3 लेवल बढ़ा के आपको सूट दिखाते हैं। इसका जो हाइट है ये 4 फीट तक है। ये 4 फीट आप बढ़ा पाओगे तो 4 लेवल बढ़ाओगे तो ये 4 फीट हो जाएगा। इसका जो ये वजन उठा पाएगा
ये आप 2.7 kg तक बढ़ा पाओगे। इससे ज़्यादा आप DSLR जो है आपका, इससे भी ज़्यादा भारी होगा तो ये नहीं उठा पाएगा। इस ये 2.7 kg तक उठा पाएगा। मोबाइल के लिए ये बेस्ट है और DSLR के लिए भी ये बेस्ट है, लेकिन वेट ध्यान से, ये 2.7 kg तक ही उठा पाएगा इसका वजन। और इसका जो हाइट है ये 4 फीट तक है। ये है पूरा खोल कर इसका हाइट। अब देखेंगे इसका नॉर्मल हाइट कैसा है। आप इस स्क्रू को सिर्फ बढ़ाओगे तो इसका हाइट कुछ ऐसा ही होगा। इसका हाइट कुछ ऐसा ही है ये डिफ़ॉल्ट में। तो दोस्तों, आप ट्रैवलिंग के दौरान भी इस ट्राइपॉड को आसानी से ले जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है। जैसे ही ये मैंने बता दिया है, इस ट्राइपॉड 2.7 kg वजन उठा सकता है। अगर आपको पास जो DSLR है वो 2.7 kg से बड़ी है तो इस ट्राइपॉड को मत यूज़ करना, लेकिन आप मोबाइल को उपयोग करके भी वीडियो निकल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये बढ़िया ट्राइपॉड है, लाइट वेट है, अमेजोन पर अवेलेबल है। इसका कीमत 749 है। रिपब्लिक डे सेल पर ये 549 में मिल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम पर डे वीडियो लाएंगे।